أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بنستقيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وتم الحج والعمرة لله وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث

कि हाजियों से और उम्र करने वालों से सरजद होने वाली गलतियाँ क्या क्या हैं और हज मसनून उम्रा मसनून का तरीका क्या है हजर निगरामी हज अल्लाह तबर त ने फरमाया वि हजालमर तज और उम्र अल्लाह की खातिर मुकम्मल करो लिहाजा सबसे पहले हमारे दिलों में अखलासत हो दिखावा और याकारी हज को जाने से पहले दावतें और मुख्तलफ़ तरह के दुआई महफिलें ये सब गलत बातें हैं फिर हज के दौरान सेल्फी लेना और सेल्फी को शेयर करना दूसरों को बताना ये भी दिखावा और याकारी में आ सकता है इसलिए इससे परहेज गुरेज करें्ला तबरक ने दूसरी याद ने फरमाया अलज आश्र मालूमत हज खास महीने में होता है जिसने अपने ऊपर हज को फर्ज करार दे लिया तो फला रफा वाला फसूका वाला जिदा लफिल हज तो हज के अयाम में फिस को फजूर गुनाह का काम सुन्नत की खिलाफ वर्जी बिदा तो खुराफा शिरकिया काम कुफरिया काम शरीयत से हट के काम गुनाह के कामों से परहेज गुरेज करें फिस फजूर गुनाह और शरीयत के खिलाफ वर्जी गुनाहों से बचते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से डरो ये तकवा सबसे बेहतरीन जाद राह है आखरत का सामान तकवा है लिहाजा अल्लाह ताला से डरते रहो हजरीन इस मुख्तसर से तमहीद के बाद हाजियों के लिए पैगाम है कि हमारा हज खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए और क्या क्या गलतियां हमसे सरजद होती है ये हमें मालूम होना चाहिए प्यारा नबी फरमाया मन हज जो हज करता है और हज के दौरान गलतियों से परहेज और गुरेज करता है सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करता है गुनाह इसको फजूर से बच जाता है वह हाजी ऐसे लौटता है गोया के उसकी मां ने उसको पहले दिन जन्म दिया जिस तरह से वो था गुनाहों से पाक साफ हो जाता है तो हमें मालूम करना बहुत जरूरी है कि हाजियों से क्या क्या गलतियां सरजद होती है हज के अयाम शुरू होते हैं आठ जिलहिज्जा से जिसको यौम उत्तरविया कहा जाता है आठ जिलहिजा यौम उत्तरविया है हाजी को चाहिए कि आठ सिलहिजा को गुसल करके बांध के एहराम की जो पाबंदियां हैं उनकी पाबंदी करते हुए मीना के मैदान में जाएं एहराम की पाबंदियों में गलतियां कुछ सख्तियां ज्यादा होती है जैसे कि बांध लेने के बाद यह तस्वुरा है कि सर का कोई बाल गिरना नहीं चाहिए याद रखिए बाल खुद ब खुद गिर जाए तो कोई हर्ष नहीं है इस डर से अगर उसको खुजली हो तो खुजाते भी नहीं है अगर कंगी करने की जरूरत पड़े तो कंगी भी नहीं करते हैं ऐसा कुछ नहीं है बाल निकालना नहीं यानी कटिंग नहीं करना है हलक नहीं करना है आज खुद अगर बाल गिर जाए कंगी कर सकते हैं ऐसे ही अगर बाल सीधे करते वक्त या खुजलाते वक्त अगर बाल गिर जाए दाढ़ी के सर के कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है अलबत् एक गलती होती है कि एहराम की हालत में नमाज के दौरान सर नहीं ढाकना है चाहे एहराम की चादर से हो या किसी और से हो और फिर एक गलती यह भी होती है कि अहराम की नीयत कर लेने के बाद एहराम बांध लेने के बाद सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं पहनना है बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं जायज नहीं है मर्दों के लिए मर्दों के लिए जायज नहीं है कि सिला हुआ कपड़ा वो पहने जो कपड़े के तौर पर ड्रेस के तौर पर इस्तेमाल होता है हां छतरी है बेल्ट है तो ये कपड़े के तौर पर ड्रेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं है इनको आप इस्तेमाल कर सकते घर से सिला हुआ क्यों ना हो एहराम बाद लेने के बाद सोचते हैं कि आप भाई गुसल भी नहीं करना है एहराम की चादर को बदलाना भी नहीं है यह भी गलत बात है गुसल कर सकते हैं एहराम की चादर को आप बदला सकते हैं कोई हर्ज की बात नहीं है एहराम की चादर को मुकद्दस समझना एहराम की चादर को मुकद्दस समझकर लेकर आते हैं और यह वसीयत करते हैं कि इसमें दफन किया जाए इसमें दफन किया जाए या दूसरे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कर एहराम की चादर हमें दे दो उससे तबर्रुक हासिल करना बाबरकत कर समझना या ये सोच करके अगर इसके जरिए से दफन किया जाए तो आजाब में तकफीफ होगी यह गलत बातें हैं यह गलत बातें हैं वो भी एक आम कपड़े की तरह है, उसको आप जरूरत पड़े इस्तेमाल करो नहीं तो फेंक दो अगर जरूरत नहीं है कोई हर्ष नहीं है आम कपड़े की तरह अहराम की चादर की कोई खसूस अहमियत नहीं है हम किसी को वेस्ट ना करें जाए ना करें लाए इस्तेमाल करें अगर मुमकिन हो सके तो नई जगह नहीं है अपना ले, नहीं लेकर आ सकते कोई हर्ज की बात नहीं है। बाद लेने के बाद, मिना के मैदान में आठ जुल्हिजा को पहुंचना है मीना के मैदान में जिक्रस्कार करते रहना है और अपने अंदर वो तस्वर उजागर करें यही वो मीना का मैदान है प्यारा नबी या घूम फिर के काफिरों में दावत तो तबलीग का काम किया करते थे क्यों मीना में उस जमाने में बाजार लगा करता था मेला और ठेले लगते थे जमाने जाहिलियत में मेला लगाया करते थे मीना के मैदान में आज वल्ल्ल् बाजारों में मेलों में घूम घूम के लोगों को दांत तबलीग का काम किया करते थे हाजी को चाहिए कि वहां यह तस्वुर उजागर करें अल्लाह तबरक के रसूल यहां पर थे दांत तबलीग का काम किए हमें भी नेकियों को बटोरना चाहिए कसरत से अस्कार करते रहें नमाजों की पाबंदी करते रहें सुन्नत के मुताबिक नमाजों को अदा करते रहें मीना में हाजी को हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करना जमा नहीं करना जोर जोर के वक्त में असर असर के वक्त में मगरिब मगरिब के वक्त में इशा इशा के वक्त में अदा करना है अलबत् कसर करना है चार रकात वाली नमाज है दो दो रकात पढ़ना है यहां गलत हाजियों से यह होती है कि कसर नहीं करते हैं कसर नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा तरीका अलग उनका तरीका अलग ऐसी कोई बात नहीं है हमें चाहिए कि सुन्नत रसूल के मुताबिक हज करें अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है अल हजल मबरूर लह जजा जन्ना हज मबरूर यानी सुन्नत के मुताबिक किया हुआ हज उसका बदला जन्नत है जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है सुन्नत के मुताबिक किया करें वसल्लम नबी ही तरीका था यहां तक कि अगर मीना का कोई रहने वाला मीना का रहने वाला है उसने भी हज का इरादा करके बांध लिया है तो मीना में घर से उसका घर है फिर भी उसको दो रखा नमाज पढ़ना है अब देखे होंगे जो हज के अमीर होते हैं और जो काबे के अयम्मा होते हैं वो जब एहराम बांध लेते इरादा करते हैं उनके घर कहां है आमतौर से जो काबे के अम्मा है इमाम है उनके घर मीना के आसपास में ही है मीना के आसपास में है लेकिन वो भी बाकायदा कसर करते हैं आप तो इतनी दूर से जा रहे हैं यहां सफर की बात नहीं है हज के अरकान में हज के अय्याम में ये दाखिल है कि हाजी जब एहराम बांध लेगा चाहे वो कहीं का भी हो उसको मीना में हज के अयाम में नमाजों को कसर करना है हज के जो अयाम है इन पांच अयाम नमाजों को कसर करते रहना है तो हाजी से गलती यह भी होती है कि मीना में वो कसर नहीं करते हैं जहां तक हो सके आप मस्जिद खैफ जाए मीना में और मस्जिद खैफ जाकर वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करें कोशिश करें अगर ना मिल सके तो कोई हर्ज की बात नहीं थोड़ी कोशिश करने से जा सकते हैं और कोशिश ये करें कि आप अव्वल वक्त में नमाज पढ़ ले, ले कसर के साथ हाजी लोग क्या करते हैं बहुत लेट से नमाज पढ़ते हैं जमातों का ख्याल नहीं रखते हैं जमात का ख्याल रखें अगर आप मुमकिन है जा सकते हैं मस्जिद में तो मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ लें क्योंकि जमात की अहमियत ज्यादा है जर्मिना में आठ जुल्हिजा आपको रहना है दिन भर उसके बाद फजर के बाद नौ जुलहिज्जा फजर के बाद फजर तक रहकर फजर के बाद रवाना होना है अरफा अरफा रवाना होना है आरफा ये असल हज है नबी ने फरमायाज जो आरफा अरफा ये असल हज है सब काम किए हैं अरफा के मैदान में अगर वो थोड़ी देर हाजिरी नहीं दिया है तो उसका हज नहीं होगा उसका हज नहीं होगा अरफा के मैदान में क्या क्या गलतियां होती है सबसे अहम सबसे बड़ी गलती जो होती है अरफा के मैदान में मस्जिद नमीरा है तो मस्जिद नमीरा में वहां खुतबा होता है वहां जगह हासिल करने के चक्कर में क्योंकि मस्जिद नमीरा जो है वो कुछ हिस्सा मुस्तलिफा में है और कुछ हिस्सा अरफा में है अब जाहिर सी बात है वो हिस्सा जो अरफा के अंदर है अगर आपने वहां कयाम किया है तो जाहिर सी बात है आपको अरफा का कयाम मिला और मस्जिद नमीरा के जो शुरू के सफे हैं वो अरफा में दाखिल नहीं है वो अरफा में दाखिल नहीं है जाहिर सी बात है अगर कोई शुरू के सफों में जाके बैठ गया उसका हज नहीं होगा क्योंकि आप अरफा के मैदान में हाजिरी नहीं दिए अलबत् वह निशानात हैं देख लें कि कहां से अरफा है अरफा एंड रहता है अरफा यहां खत्म तो आपको चाहिए कि उससे पहले ही अगर मस्जिद नमीरा में जाके बैठ रहे हैं कोशिश यह करें कि आप देख लें कहीं मेरा उकूफ मेरा क्याम अरफा के हदूद में है कि नहीं है अगर आप घूम रहे हैं अरफा के मैदान में आपका कयाम नहीं हुआ है तो यह बात बहुत गलत फहमी है आपका हज ही नहीं होगा इसलिए अरफा के मैदान में जो गलती होती है यह बात है कि वो अरफा के हदूद से अगर बाहर चले जा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी और दूसरी गलती क्या होती है अरफा के मैदान से सूरज गुरूब होने से पहले निकल जाना यह दुरुस्त नहीं है नौ तारीख मगरिब सूरज गुरुब होने तक अरफा के मैदान में रुकना है उसके बाद सूरज के गरूब होने के बाद ही निकल जाना और मगरिब की नमाज अरफा में नहीं पढ़ना है मुस्तलिफा में जाकर मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़ना है फिर मुस्तलिफा में क्या गलतियां होती इन शाह हम कल जायजा लेंगे और वहां क्या क्या काम करना कल जायजा लेंगे अलबत्त अरफा के मैदान के ताल्लुक से गलत फहमी है कि लोग समझते हैं कि अरफा का मैदान यह हशर का मैदान होगा बहुत मशहूर है हशर का मैदान होगा याद रखिए अरफा का मैदान यहां शर का मैदान नहीं है सही हदस में यह है कि मुल्क शाम जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इशारा करके अर्दुल मिनशर वल महशर यही से सब लोग फैलेंगे यही सब लोग जमा होंगे हशर का मैदान यहां होगा लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त यह जमीन आसमान को खत्म करके दूसरा बनाएगा अल्लाह बेहतर जानता हो कैसा होगा क्या होगा अरफा के मैदान के ताल्लुक से जबल रहमत के ताल्लुक से लोगों की गलतफहमी क्या होती है कि जबल रहमत को देखकर उसको घेर के दुआ करना नहीं जबल रहमत को देखकर घेर के दुआ नहीं करना है प्यारे नबी वसल्लम को वहां जगह मिली आपने कहा सारा अरफा मैदान है कहीं भी ले लो जरूरी नहीं कि जबल रहमत में जाना उस पर चढ़ना चढ़ के दुआ करना यह गलतफहमी है कि धूप में परेशान होके जबल रहमत में चढ़ने की कोशिश करते ऊपर चढ़ के दुआ कुछ नहीं है आपको दुआ करना किबला रुको के तबला रुख होके अरफा के मैदान में दुआ करना है अरफा के मैदान में कबला रुख होकर खड़े होकर जितना हो सके दुआ करें अगर आपको जबल रहमत के पास जगह मिली वहां पर भी आपको पहाड़ को देखकर दुआ नहीं करना कबला रुख के दुआ करना है तबला रुख होकर दुआ करना है यहां जी लोग क्या करते हैं रफा के मैदान में टेंट में बैठे रहते हैं बाहर निकले बाहर निकलने के बाद अब छाव में जाकर कोशिश करें कि खड़े होकर कबला रुख होकर जितना हो सके दुआ करते रहे मुसलसल वहां दुआ 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 ही आपको करना है दुआ रहना है वहां आपको जहर असर पढ़ना है मिलाकर जहर असर मिलाकर एक साथ और कसर करके कसर करके यहां पर भी लोग क्या करते हैं कसर मिलाते हैं नहीं जमा नहीं करते हैं जोर को अलग वक्त में असर को अलग वक्त में फिर पूरी नमाज पढ़ते हैं गलत है याद रखो अरफा के मैदान में हाजियों से यह गलती होती है कि जोहर असर को मिलाकर यानी जमा करके कसर करके दो दो रकात एक साथ पढ़ना या जोर के वक्त में असर के वक्त में जब भी आपको मौका मिले और वहां पर भी कोशिश करें कि जमात का ख्याल रखें जो भी टेंट में है सब मिलकर जमात बनाए जमात में फजीलत है इन बातों का खास ख्याल रखें हाजियों से आमतौर से अरफा के मैदान में ये गलतियां होती है से, तबरक हमें और आपको सारे हाजियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक हज करने की तोफिकता फरमाय आमी सोने मुहम्मद